एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर चैनल निशा करियन व्लॉग्स। उम्मीद करती हूं सब खैरियत से हैं। तो आज भी मैं बिल्कुल फ्री हूँ। आज भी मैंने कोई तैयारी नहीं बनाई है क्योंकि आज बनकर आई है बाहर से मिल जाने के लिए। और अब ये क्यों आई है, क्या करना है इसका, तो आप सभी के साथ ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह इसी ब्लॉग में। लेकिन उसके लिए आप सभी को मेरे ब्लॉग में अंत तक बना रहना पड़ेगा इंशाल्लाह। तो सबसे पहले ये अम्मी ने निकाल के रख दी है पाता के लिए, इसे रख देते हैं इधर। और ये गर्म भी बहुत है, यहाँ रख दिया मैंने। तो अब अम्मी ने निकालना शुरू कर दिया है, बस मैं उनकी हेल्प कर रही हूँ पकड़ने में, बाकी वीडियो शूट भी आज खुद ही कर रही हूँ। तो यहाँ पर अम्मी निकाल रही थी जिन्हें भी देना था, और मैं उनकी थोड़ी बहुत हेल्प कर रही थी, लेकिन देख का काम वही देख रही थी। तो यहाँ पर मैं डिब्बों को पैकिंग कर रही थी, और वो डेक पर वही काम कर सकती थी, ये वाला काम मम्मी ही कर रही थी, तो बस उनकी हेल्प कर रही थी इसमें। यहाँ पर मैं डिब्बों की पैकिंग करवा रही हूँ जल्दी जल्दी से, क्योंकि टाइम भी कम है और वक्त से जिनके पास जाना है वो चले जाएं, उन्हें वक्त पर मिल जाए। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं एक हाथ से मतलब इस्तेमाल क्यों कर रही हूँ, क्योंकि एक हाथ से मैं फ़ोन पकड़ी हुई हूँ और दूसरे हाथ से मैं ये काम कर रही हूँ अपना, तो थोड़ा सा काम भी मुश्किल से ही हो रहा है। चलिए मैं जल्दी से पैक करके आप सभी को दिखाती हूँ इंशाल्लाह। तो यहाँ पर मैंने जितने भी डिब्बे पैक किए थे वो सारे बढ़ चुके थे, मुझे बाद में याद आया कि मुझे शूट ही करना है, बस कुछ ही बाकी थे, तो मैंने सोचा इन्हें ही शूट कर लेती हूँ, आप सभी के साथ शेयर भी करना है। इधर आश्रम बैठा हुआ था थक कर। ये थोड़े कुछ दूर के जाने वाले डिब्बे थे जिन्हें हमने एक साथ ही किसी पॉली बैग में पैक करके डाल दिया था, ताकि आश्रम और हैदर के लिए थोड़ा ईजी रह जाए इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना। तो यहाँ पर मैं और अम्मी यही काम कर रहे थे जल्दी से। तो यहाँ जिन्हें अपनी बारी का इंतजार कर रही हैं कि कब इनकी टर्न आएगी, इन्हें कुछ खाने को मिलेगा, है जिन्हें तो यहाँ पर हाशिम लेकर जा रहा था जो भी हमने पैक किया था। और यहाँ गर्मा गर्म चाय सर्व करती हुई मैं, सब बहुत थक गए थे, सबका दिल कर रहा था, और रोजे के बाद तो सभी को लगता है चाय मिल जाए। और अब हम इसमें डाल लेते हैं हैदर और हाशिम की फेवरेट मलाई, क्योंकि उन्हें मलाई के साथ चाय पीना बहुत ही पसंद है दोनों को। चाय देखकर ही आधी थकान दूर हो जाती है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि आप में से कितने लोग हैं जिनकी थकान चाय को पीने से दूर हो जाती है। तो चलिए हम चाय पी लेते हैं, उसके बाद आप सभी के साथ मिलते हैं इंशाल्लाह। तो यहाँ मैं इफ्तार के बाद आ गई हूँ किचन की क्लीनिंग के लिए। आज मैं आप सभी के साथ ज़्यादा कुछ शेयर नहीं कर पाई, उसका रीज़न ये है कि आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, इसी वजह से आज मैंने ज़्यादा इफ्तार की मतलब तैयारी भी नहीं की थी। बाहर से ही बिरयानी आ गई थी, फ्रूट्स वगैरह की कटिंग भी हो गई थी बस, और तबीयत नहीं ठीक होने की वजह से ज़्यादा व्लॉग भी शूट नहीं किया आप सभी के साथ, थोड़ा ही शेयर कर पाऊँगी इंशाल्लाह। तो अब मैं यहाँ किचन में आ गई हूँ, ज़रा किचन थोड़ी सी गंदी थी, मैंने सोचा क्लीन कर लूँ, फिर तरावी का भी वक्त हो जाता है, टाइम पे तरावी भी पढ़ना है, ब्लॉग एडिट करना है, आप सभी के साथ शेयर करना है इंशाल्लाह। तो थोड़ी सी किचन है, जल्दी से इसे क्लीन करके इंशाल्लाह मैं जल्दी से अपने काम को निपटा लेती हूँ।
तो यहाँ आप सब देख सकते हैं दोस्तों, मेरी किचन बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लीन हो गई है, माशाल्लाह से बिल्कुल साफ हो गई है। तो अब यहाँ के सारे काम खत्म हो चुके हैं, अब मुझे आगे तरावी पढ़ना है, मुझे कुरान शरीफ पढ़ना है और उसके साथ उसके बाद मुझे ब्लॉग एडिट करके आप सभी के साथ शेयर भी करना है इंशाल्लाह। तो अगर मेरा ये ब्लॉग पसंद आया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें एंड डोंट फॉरगेट टू हिट बेल आइकन।